वेलकम टू अवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम हमारा जो कंटिनेंट का जो हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारा ओशियाना के साथ साथ हम इसमें जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है, ये हमारे जो कंटिनेंट है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने ये जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि ओशियाना मतलब क्या होता है। ओशियाना आपको सुन के लग रहा होगा कहीं ना कहीं ओशियन से बना हुआ एक वर्ड है, यानी कि ये एक तरह से हमारा सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक ओशियन है। उसके अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं, उनका एक तरह से हजारों आइलैंड्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसी को हम उसको बोलते हैं ओशियाना। ठीक है, सो अगर हम बात करें व्हाट डज ओशियाना रेफर टू, तो ओशियाना इज़ ए कलेक्टिव नेम फॉर द आइलैंड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। हो गया, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ओशियाना के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे छोटे छोटे आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब देखते हैं तो जो ये जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल ये डॉटेड डॉटेड ऐसे दिख रहे हैं बहुत सारे हैं इनमें, और ये बड़े बड़े भी आइलैंड्स हैं, तो ये कोई एक दो आइलैंड्स नहीं है। इसमें लगभग अगर हम बात करें तो ये हमारा करीबन करीबन 10,000 तक आइलैंड यहाँ पे हो सकते हैं, लगभग 10,000 यानी कि 10K लगभग, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो हम बात करें ओशियाना की, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हम अगर ट्रेडिशनली डिवाइड करते हैं तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला पार्ट है ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, उसके बाद में मलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है रीजन, ये वाला जो यहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन, ये जो दिखाई दे रही है ना यहाँ से, ये पूरा ये वाला जो रीजन है ये, ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, एंड देन इसमें ये जो आपका क्या है न्यूजीलैंड, ये वाला रीजन मिला के टोटल रीजन हमारा क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलेशिया। समझ में आया, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। देन उसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा हमारा एक रीजन है यहाँ पे, यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला रीजन, यहाँ से देखिए ये लाइन दिखाई दे रही है आपको एक, यहाँ से होता हुआ ये हमारा है मलेनेशिया यानी कि मेलानेशिया। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको कौन कौन से दिखाई दे रहा रीजन, एक पपुआ न्यू गिनिया है एंड ये सोलेमन आइलैंड है एंड बंताऊ है और न्यू कैलेडोनिया है एंड फिजी, ये आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये किसका पार्ट है, मेलानेशिया का। देन हम इसको फर्दर डिवाइड कर लें अगर, तो ये वाला जो रीजन हमारा दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा रीजन है पोलिनेशिया का, जिसमें आप देख सकते हैं ये हवाई आइलैंड है, ये तो वैसे तो यूएस का पार्ट है, बट हम यहाँ पे कोई कंटिनेंट या किसी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ओशियाना की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक रीजन है जिसमें बहुत सारे आइलैंड इंक्लूडेड हैं उस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो डिफरेंट एक कंटिनेंट है एंड अंटार्कटिका भी है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा ओशियाना है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन में होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई लोकेशन पूछने लगे कि हवाई आइलैंड कौन से उसमें, तो आपको बता देंगे पैसिफिक ओशियन में है। एंड ये किरवाती आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको कीर्तिमती भी बोलते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया है, पिटकेम आइलैंड है यहाँ पे, एंड ईस्टर आइलैंड है चिले का है, एंड कुक आइलैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड अमेरिकन समोआ है यहाँ पे, टोंगा है एंड वालिस फ्यूटना है एंड समोआ है एंड
टोकाइलो है एंड तुवेलो है। तो अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारे रीजन्स। देन उसके बाद में आता है माइक्रोनेशिया। यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये वाली लाइन है, ये वाली। दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको डिफरेंट सा दिखा देते हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको माइक्रोनेशिया का पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड है, पलाऊ है माइक्रोनेशिया का जो पार्ट है, एंड गुआम ये है, ये यूएस का पार्ट है, एंड फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड एंड किरवाती। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हमने इसको डिवाइड करा रीजन्स में, ठीक है। कौन कौन से रीजन है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सा था, एक तो ऑस्ट्रेलेशिया था एंड माइक्रोनेशिया था एंड देन पोलिनेशिया था एंड हमारा मेलानेशिया था, ठीक है। तो कितने रीजन डिवाइड कर लिए हमने इसमें, 4 रीजन्स डिवाइड कर लिए, और ये सब किस में आते हैं, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर हम बात करें, तो कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मैप भी दिखाई दे, सॉरी, इनके फ्लैग दिखाई दे रहे हैं कंट्रीज के, एंड जो कुछ रीजन्स हैं आइलैंड है उनके। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये जो रीजन है, आप इनमें देखिए ये जो रीजन्स हैं इनमें आपको यहाँ पे दिख रहा है हवाई हवाई आइलैंड है ना, ये किसका पार्ट है, ये यूनाइटेड स्टेट का है, एंड गुआम है ये भी यूनाइटेड स्टेट का है, एंड ये पलाऊ है, एंड फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया दिखाई दे रहा है, एंड मार्शल आइलैंड है, एंड कितिवाती है, एंड फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस का पार्ट है, मतलब उसी के अंडर में है। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपने देख लिया यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं सोलोमन आइलैंड यहाँ पे है, एंड टोंगो है यहाँ पे, एंड फिजी है, एंड वनुआतू है यहाँ पे, एंड टुबेलो है यहाँ पे, टुबेलू, एंड नाउरू, एंड यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड का यहाँ पे न्यू दिख रहा है, एंड यहाँ पे समोआ है, एंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अमेरिकन समोआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा, ये है अमेरिकन समोआ, एंड ये हमारा है टुकेलो, ये वाला रीजन है न्यूजीलैंड का पार्ट है टुकेलो, ठीक है, ये वाला रीजन है। एंड उसके बाद में हमने देख लिया सारे रीजन्स हमारे कवर कर लिए हमने। तो ये हमारे क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया रीजन के जो हमारे हैं उनका हमारा ये मैप है, ठीक है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से कंट्री भी है और ये एक कंटिनेंट भी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से देखा जाए तो इसको हम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, एक तरह से सॉवरेन कंट्री है, जिसका अगर हम बात करें ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का ही पार्ट है, और जिसमें आप देख सकते हैं तस्मानिया एक आइलैंड भी आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा एक, यहाँ पे ये रहा तस्मानिया आइलैंड है। तो ये वाला रीजन है हमारा, ये है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का रीजन, ठीक है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया हमारी लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ओशियाना की अंदर अगर देखें तो, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये हमारी 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया मतलब
एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही पुराना है एंड फ्लैटेस्ट है एंड ड्राइएस्ट ड्राइएस्ट है एक तरह से, और बहुत ही कम फर्टाइल, यहाँ पे जो मिट्टी होती है बहुत ही कम फर्टाइल होती है। एंड इसका जो साइज है बहुत ही, इसमें अलग अलग तरह के, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स टाइप के हों, माउंटेन हैं बट उस तरह से नहीं है जितना अदर हैं, इसलिए इसको फ्लैटेड भी बोलते हैं, ठीक है, एकदम फ्लैट। एंड उसके बाद में इसमें डेजर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे आप, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी किस तरह से वहाँ पे डेजर्ट वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही कम एरिया है, और जो इसके शहर हैं वो सिर्फ इधर, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको इस रीजन में, इधर ज़्यादा हैं, बाकी इधर थोड़ा छोटा सा पार्ट है कहीं कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्लाइड पे आएंगे, तब करेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्लाइमेट है वो, मतलब इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरीके के रीजन्स पाए जाते हैं, कहीं डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं थोड़े, और यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है। लेकिन इसका रीज़न, यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें क्लाइमेट बहुत ही मतलब अलग सा चेंज होता है अलग अलग रीजन में। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से दूसरी, चलो स्लाइड लेते हैं। इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से समवेयर, मतलब इसको कहीं ना कहीं मतलब मिड से काट रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो इधर वाला तो रीजन जो होगा हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, एंड यहाँ पे टेम्परेट जोन बन जाएगा हमारा। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी इधर वाला जो एरिया है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गर्म एरिया रहता है, एंड यहाँ पे टेम्परेट जोन है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको डेजर्ट पूरा इस एरिया में मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो क्लाइमेट है आपको बहुत ही वेरिएशन मिलेंगे, आपको एक ही छोटा सा मतलब पार्ट है कंटिनेंट का एंड उसमें ही आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो लाइन है वो यहाँ से क्रॉस होती है, ठीक है। चलिए इसके मतलब अगर हम इसकी बात करें, इसकी ज्योग्राफी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ओशियन हैं। एक तो हमारा इंडियन ओशियन है एंड देन हमारा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ओशियन इंक्लूडेड हैं, एक तो हमारा इंडियन ओशियन है, ये इधर का पूरा जो रीजन है हमारा, एंड देन यहाँ का पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो कौन कौन से ओशियन से सराउंडेड है, एक तो इंडियन ओशियन एंड दूसरा हमारा पैसिफिक ओशियन। एंड अभी हम इसके जो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कुछ हमें सी भी दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे तैमूर सी दिखाई दे रहा है एंड अराफूरा सी दिख रहा है यहाँ पे, एंड कोरल सी है एंड ग्रेट बैरियर रीफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक मिनट पहले हम सी के देख लें कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद में। ये हमारा तस्मान सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे सोलोमन सी है, एंड इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो हम दूसरी स्लाइड लेते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है, इसमें हम आराम से देख सकते हैं, देखिए। तो हम कौन कौन से देखो, यहाँ पे है कोरल सी, एंड ये हमारा तैमूर सी है, एंड ये हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वास स्ट्रेट है, जो कि हमारा किससे, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर सी रूट का हम फॉलो करें तो ये हमारा है, एंड यहाँ पे तस्मान सी भी देख सकते हैं आप, ओके, एंड बिस्मार्क सी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडी हमने यहाँ पे देख ली,
चलिए, अब हमने मतलब डिस्कस किया था ग्रेट बैरियर रीफ, तो आपने जैसे सुना होगा कि अभी तो द ग्रेट बैरियर रीफ है ये जो हमारा एरिया, आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। अब ये कोरल रीफ सिस्टम क्या होता है? कोरल रीफ सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इसमें आपको, तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो हमारा है कहाँ पे लोकेटेड है? कोरल सी में लोकेटेड है। एंड ये हमारा क्वींसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, उसका जो किनारा है, कोस्ट है, वहाँ पे ये बना हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात करें तो ये लगभग काफ़ी मतलब बड़ा एरिया है, और ये अगर हम इसको स्पेस से भी देखें, मतलब जैसे कि हमने चाइना की जो वॉल है देखते हैं ऊपर से तो वो दिखाई देती है आपको स्पेस से, उसी तरह से अगर हम इसको भी देखें ना स्पेस से तो ये बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, यानी कि, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो रहे हैं, जिसको कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्योंकि ये बहुत ही मतलब यूनिक है, एक तरह से देखे बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड की तरह है एक तरह से, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी लाइफ पाई जाती है। एंड ये हमारा सिलेक्ट हुआ है किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। एंड ये हमारा 7 नेचुरल वॉन्डर ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ मैरिन पार्क है वहाँ पे, क्योंकि जो ह्यूमंस की एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि इनका इकोसिस्टम के लिए कर सकती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। एंड ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, देखिए एक तरह से हम बात करें तो देखिए ये जो हमारे जो कोरल के पॉलिप्स होते हैं, ये हमारे एल्गी होती हैं, उनके बीच में इनका एक तरह से रिलेशन होता है। उसमें क्या होता है, इमेजिन कर लो जैसे कि ये है, ये क्या करेगी, इनके लिए फूड प्रोवाइड करेगी और ये इनको शेल्टर देंगे, मतलब रहने के लिए इनको जगह देते हैं। तो ये दोनों जब आपस में मतलब रहते हैं तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही सही रहता है, लेकिन किसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये इस एरिया को अगर छोड़ के चले जाते हैं तो इनको कहीं से खाना नहीं मिलेगा, तो ये एक तरह से स्केलेटन में मतलब हो जाते हैं और इनका जो कलर होता है पूरा ब्लीच हो जाता है उस एरिया का, तो इसी को ही ब्लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अभी हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें ये जो कुछ हमने छोटे छोटे रीजन डिवाइड कर लिए हैं एक तरह से, ये उनकी स्टेट्स हैं, देखो ये है, बहुत ही इजीली आप इनको लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, एंड यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी है, एंड ये हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया है। एंड इस ये तीन आपको याद कर लेने, क्वींसलैंड एंड ये न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। क्वींसलैंड के जो कोस्टल है उसके किनारे किनारे पे क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, कोरल सी के अंदर ही है एंड उनके किनारे पे है, ठीक है, क्वींसलैंड के। एंड ये हमारा तस्मानिया आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, देख लिया होगा इसको भी, ठीक है, क्लियर। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है रीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आपको देखना अराफुरा ये जो सी है आपका, एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे हॉर्न आइलैंड ये दिख रहा है ना आपको, हॉर्न जैसा, एंड मेलेविले आइलैंड यहाँ पे दिख रहा है, एंड तैमूर सी, एंड 80 माइल बीच यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड ये जो है कैप
नेचुरल साइट ये दिख रहा है, एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड कैप कैटास्ट्रोफे एंड स्पेंसर गल्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कैप जफा यहाँ पे दिख रहा है, एंड कंगारू आइलैंड ये वाला दिख रहा है। और कौन सी स्टेट है यहाँ पे, बास स्टेट है, किसमें, ये हमारा विक्टोरिया एंड तस्मानिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, उसको आपस में बाय सी कनेक्ट करने के लिए लोकेटेड है। एंड ये हमारा है तस्मानिया, तस्मन सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो लेक की बात करें तो यहाँ पे लेक मकाए है, एंड लेक अर्गेले है, एंड यहाँ पे लेक इरी है नॉर्थ की, एंड लेक इरी साउथ है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये साउथ है ये नॉर्थ है। एंड उसके बाद में गैर्डनर सी है, या वो सॉरी गैर्डनर यह हमारा लेक है, एंड लेक टोरेंस है यहाँ पे, एंड लेक फ्रोम, ये इम्पोर्टेंट लेक्स देख लिए आपने इसमें। ये इसकी वाटर बॉडी भी हमने डिस्कस कर ली है, एंड यहाँ पे आप फ्रोसर आइलैंड भी देख लीजिए इसमें जो है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ, अगर अब तो आपको याद रहेगा ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगर रीफ के बारे में और आपको नॉलेज चाहिए तो एक शॉर्ट में हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है रीफ के बारे में, उसमें आप देख लीजिए, आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ग्रेट सैंडी डिजर्ट, तो ये जो आपको येलोइश रीजन दिख रहा है ना पूरा, एक मिनट, ये जो येलोइश रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से होता हुआ पूरा जितना भी ये येलो पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारा डेजर्ट वाला एरिया है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि यहाँ से कैप्रिकॉन जा रही है तो बहुत ही यहाँ पे वैसा जोन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेजर्ट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये वाला रीजन यहाँ पे तनाई डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, एंड ये हमारा तनामी डेजर्ट है। एंड कौन कौन से डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं। लेक्स तो हमने अभी देखी थी, एक ये हमारी लेक बुड्स हो गई, लेक करंगी हो गई, लेक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट भी दिखाई दे रहा है, एंड लेक बैरी भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डार्लिंग रेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है यहाँ पे दिख रहा है आपको। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, शार्क बे, ये आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये शार्क बे, इसका मुंह आप देख सकते हैं एकदम शार्क जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं शार्क बे। ये बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट साइड में थोड़ा सा बीच में है, सेंटर से होता हुआ थोड़ा सा। एंड यहाँ पे लेक टोरेंस है यहाँ पे, ये तो हमने देखा ही था, एंड लेक फायरे भी देख ली थी हमने, ये रही। एंड यहाँ पे ये लेक वुड्स भी देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एंड यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी, ग्रे रेंज ये दिख रहा है ना, एंड फ्लिंडर्स रेंज ये वाला हमारा दिख रहा है पूरा, एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये दिख रहा है ना आपको, ये माउंटेन, इसमें सबसे जो यहाँ पे राउंड माउंट पाया जाता है जिसकी जो हाइट है 1615 किलोमीटर है। एंड ये हमारा इसमें एक और है कोसुजुको, ये माउंटेन है, इसकी है 2230 किलोमीटर है, एंड माउंट ओसा इसकी 1617 है, ठीक है। तो ये हमारे रेंजेस हो गई, एंड माउंट ब्रूस यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड है किसमें है,
हेमरसिली रेंज में लोकेटेड है। और ये हमारा ये वाला रीजन किस में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पार्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड एक ये मैकडोनल रेंज है, ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड इसमें जो कौन सा माउंटेन है, माउंटेन जेल, ठीक है, एंड माउंटेन बुडरोफो यहाँ पे दिख रहा है, एंड आयरे रॉक्स। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। अभी एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया में। एक मिनट, एक चीज़ और है यहाँ पे। आपने अभी जब हमने इनके फिजिकल फीचर हमने पहले इसलिए ही पढ़ लिए क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कि जब आपने देखा कि वहाँ पे डेजर्ट है, तो जब कहीं पे डेजर्ट होता है तो वहाँ पे एक तरह से ह्यूमन हैबिटेट के लिए बहुत ही बेकार मतलब जगह होती है। वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, इतनी रेत होती है और वहाँ पे कोई अच्छे से कहीं एग्रीकल्चर भी कोई नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा मतलब रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो वहाँ पे रहने के लिए रीजन ठीक नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो सड़कें होती हैं बहुत ही, ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पे सड़कें जो होंगी वो बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं। तो और ऊपर से यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ बहुत ही जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए फ्लैशी होल्डिंग्स लगाए जाते हैं, मतलब अगर कोई सो रहा है तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ेगा और वो जग जाए तुरंत, क्योंकि हो सकता है कि इतना लंबा रास्ते, लंबे लंबे रास्ते और चौड़े चौड़े रास्ते हैं, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, सो जाए कोई, क्योंकि जब कोई क्राउड वगैरह होता है तो इंसान बिल्कुल मतलब आराम से रहता है, वो एकदम सुनसान एकदम सन्नाटा वाला जगह है तो नींद तो आ ही जाती है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लैश फ्लैशी मतलब जो होल्डिंग्स होते हैं उनको लगाया जाता है ताकि वो फ्लैश करते रहें। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये है पर्थ, ठीक है, एंड ये एक सिटी है लोकेटेड बिल्कुल, और बाकी जो पूरा रीजन है वहाँ पे हैबिटेबल ही नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे एडिलेडे है, ठीक है, एंड यहाँ पे मेलबोर्न है, एंड ये विक्टोरिया का रीजन है इसमें, एंड यहाँ पे आप सिडनी देख सकते हो, एंड ब्रिस्बेन है। ये इस तरह से इन इन छोटे छोटे कुछ ही मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं ना रहने के लिए, जो ऐसी जगह है, तो इस तरह से है यहाँ पे रहने के लिए ये जो रीजन है। ठीक है, एंड चलिए अब दूसरी स्लाइड देखते हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा क्या देखा था कि यहाँ पे जो कंट्री है इसमें आपने बहुत ही स्पेशल फीचर देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे करके सड़कें जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जाते हैं तो कहीं सो ना जाए इस चौड़ी सड़क में, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई रहता नहीं है, तो जब भीड़ वगैरह कम होती तो इतनी चौड़ी सड़क है, कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको नींद आ जाए तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फ्लैशी जो होते हैं होल्डिंग्स लगाए जाते हैं, मतलब जो फ्लैश करते रहते हैं इस तरह के, क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो उसकी आंखों पे जब रोशनी पड़ेगी तो वो एकदम से जग जाए ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो इस तरह का यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बताया था कि ये जो पर्थ है यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पे एडिलेड यहाँ पे है, एंड मेलबर्न यहाँ पे, सिडनी यहाँ पे है, ब्रिस्बेन यहाँ पे है, एंड डार्विन यहाँ पे है। तो कुछ कुछ एरिया हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे सिटीज़ हैं, बाकी कुछ कुछ एरिया हैं बिल्कुल ही आबादी कम है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा हो गया हमारा। अभी हम चलते हैं इसके बाद में न्यूजीलैंड के बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो न्यूजीलैंड बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी एक आइलैंड, एक कंट्री है, एंड इसमें क्या है कि ये हमारी साउथ वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है उसमें लोकेटेड है, एंड इसका जो मेन लैंड मासिस है वो नॉर्थ आइलैंड एंड उसके बाद में साउथ आइलैंड है,
एंड स्माल जो कि स्मॉलर आइलैंड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा सिक्स लार्जेस्ट आइलैंड है, आइलैंड मतलब कंट्री है एरिया वाइज, और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये हमारा न्यूजीलैंड का मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक तो हमने क्या बताया था साउथ आइलैंड है, एंड हमारा दूसरा हमारा यहाँ पे ये नॉर्थ आइलैंड है। ठीक है, ये वाला ये रीजन एक बस डिवाइड है, एंड इसके बीच में आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक स्टेट है जो इसके बिल्कुल बीच में है, ये कुक स्टेट है, इसको आप याद रख लेना। एंड उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, और इसमें क्या है, इसमें एक का आप देख सकते हो कि ये माउंटेन सिस्टम दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना ये साउदर्न एल्प्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको। एंड यहाँ पे ये जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, एक तो हमारी डुनेडिन ये दिखाई दे रही है, डुनेडिन है, एंड क्रिस्ट चर्च है। एंड उसके बाद में और भी देख लेते हैं क्या क्या है इधर साइड में थोड़ा सा, एंड तवरंगा है यहाँ पे, एंड हैमिल्टन है यहाँ पे, ऑकलैंड है, ये आपने सुना भी होंगे न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं। अब माउंटेन्स के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, माउंट रोकोमारा एंड हवा के वे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड माउंट मांगवेका एंड माउंट रोपेव एंड माउंट तंगेरियो एंड माउंट तारानाकी एंड फास्मा माउंट एंड माउंट ट्रेवर। ठीक है, और सबसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये माउंट कुक है ना, ये बहुत ऊंचा है, 3,754 किलोमीटर है, न्यूजीलैंड का है जो सबसे बड़ा है साउदर्न एल्प्स का। अगर बात करें उसमें तो ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे लेक ते अनाउ दिख रही है ना आपको छोटी सी, यहाँ पे कैमरून माउंटेन्स हैं, एंड रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैक्सन हेड यहाँ पे है, एंड स्टेवर्ट ये आइलैंड दिख रहा है ना, और यहाँ पे आपको फोवेक्स स्टेट दिख रही है, एंड इसको कोड फिक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है नोगेट पॉइंट है, एंड दुनेडिन तो हमने देख ही लिया था, यहाँ पे पिट करके है, एंड चथम इज इसको रुकोहू भी बोलते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। एंड हवा के वे को एक बार फिर से देख लो आप। ठीक है, कुक स्टेट हमारी यहाँ पे रही, ये हम देख लिया हमने। तो हमने देखा इसमें कि ये एक चीज़ आप और याद रखना है इसमें, देखो ये जो हमारा नॉर्थ आइलैंड है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो नॉर्थ आइलैंड है ये वाला, इसको हम बोलते हैं TEIKAAAMAUI, इसको बोलते हैं टे इका माऊ, किसको, नॉर्दर्न वाले को। और साउदर्न वाले का क्या नाम है इसको अगर हम देखें, इसका नाम है TEWAIPOUNAMU, ये हमारा क्या हो गया, टे वाई पोनामू। ठीक है, टे वाई पोनामू इसको बोलते हैं, याद रहेगा ये दो वर्ड है, आप याद कर लेना इसके लिए। और इसमें क्या है, ये हमने देख लिया इसमें, और इसमें अगर हम सी की बात करें तो ये आपको दिख रहा है तस्मान सी है जो हमारे ऑस्ट्रेलिया
जो हमने पढ़ा था उसमें भी देखा ना, तस्मानसी है, उससे निकलता हुआ है यहाँ से साउथ पार्ट का। एंड यहाँ पे पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसमें ये जो आइलैंड है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया, टोंगा, ये सब हैं। एंड साउदर्न एल्प्स इसमें है, टेक्टोनिक अपलिफ्ट है। और इसकी कैपिटल सिटी हमने बता ही दी थी, वेलिंगटन है। और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर सिटी है उसका नाम है ऑकलैंड, ये हमने देखी थी ना अभी सिटी यहाँ पे। ये रही ऑकलैंड, ये सबसे पॉपुलर सिटी है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। साउदर्न एल्प्स हमने देख लिया था, यहाँ पे साउदर्न एल्प्स है। एंड और कुछ रह गया है क्या? सब कुछ हो गया ना इसमें तो। चलिए, ये और जो चीज़ें रह गई हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वाली स्लाइड में आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी हमने बताया था ये ऑकलैंड जो है सबसे पॉपुलर्स हमारा, इसमें जो लोकेटेड है ये सिटी आता है, सबसे पॉपुलर्स है। और इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, ये तो हमने देख लिया था। ये हमारा साउथ आइलैंड हो गया, ये हमारा नॉर्थ आइलैंड हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। एंड ये हमारा फोवोक्स स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये तो देख ही लिया था। अभी यहाँ पे नेशनल पार्क है एक, ये हमारा माउंट एस्पायरिंग नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। एंड एवल तस्मान नेशनल पार्क एक यहाँ पे लोकेटेड है। एंड एगमोंट नेशनल पार्क एंड डॉसन फॉल्स, ये हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, याद रहेगी लोकेशंस। एंड ओडरलैंड नेशनल पार्क यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये देख लिया आपने। और ये सब हमने माउंट ऊना ये सब तो देख ही लिया था। ये माउंट ऊना है, माउंट एस्पायरिंग है, एंड गार्वी माउंटेन है, एंड फॉक्स एंड फ्रंट जो सब ग्लेशियर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड इसको माउंट कुक भी बोलते हैं। एंड अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछ ले माउंट कुक एंड ओरोकी, तो आप याद रखना ये यहाँ पे लोकेटेड है, साउदर्न एल्प्स का ही पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे ऊंचा है, साउदर्न एल्प्स का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। एंड हायरोकी गल्फ दिख रहा है, बे और प्लेन टी ये देख लो। एंड वाइट आइलैंड है, एंड द कोमंडल है, ठीक है। और कुछ रह गया? अभी यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे क्या क्या देखो, एक तो म्यूजियम न्यूजीलैंड एंड तापापा तोंगवेरा एंड बिलिंगटन जू है एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये सब बिलिंगटन के अंदर है। एंड ये क्रिश्चियन का चर्च है, बोटेनिक गार्डन है, एंड क्रिस चर्च बोटेनिक गार्डन, ये दोनों यहाँ पे लोकेटेड हैं आपके। एंड फॉक्स फ्रेंड जोसफ ग्लेशियर यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका हो गया, सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। एंड पैसिफिक ये देख ही लिया था हमने। और ये हवा के वे एक बार और देख लो, बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है। एंड ये स्टेवार्ट एंड साउथ वेस्ट कैप, ये याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा तस्मान सी। और ये कुछ आइलैंड भी दिख रहे हैं ना इसके किनारे किनारे। एक तो हमारा ये हमारा दिख रहा है, ये वॉन्ट्री आइलैंड है, न्यूजीलैंड का ही है। एंड एंटीपोड आइलैंड दिख रहा है, कैम्बल आइलैंड है, एंड ऑकलैंड आइलैंड। ऑकलैंड एक शहर भी था यहाँ पे, ये देखा था हमने ऑकलैंड। एंड ऑकलैंड एक आइलैंड भी है, न्यूजीलैंड का ही है। एंड इसको आप याद रखना, ठीक है, अगर ऑकलैंड आइलैंड है और ऑकलैंड सिटी भी है। अब आते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका के बारे में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटिनेंट है। तो अंटार्कटिका जो है हमारा एक यूनिक कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे
कोई जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो यहाँ पे नहीं रहती, कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसीलिए इसको ज़्यादा मतलब ऐसे डिस्कस भी नहीं किया जाता है। वैसे ये कंटिनेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ है, कई कई किलोमीटर इसकी जो परतें हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और यहाँ पे ह्यूमन के लिए रहना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ बहुत ही टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो अंटार्कटिका है एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि मतलब कोई यहाँ पे ह्यूमन परमानेंटली यहाँ पे नहीं रह सकता है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऐसा क्लाइमेट होता है कि यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। लेकिन ये जो कंटिनेंट है अंटार्कटिका का, इसमें बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बर्फ़ इतना है तो लोगों के लिए कैसे रह पाएंगे वहाँ पे, इतनी ठंड लगती है, सर्दी होती है। तो ये हमारा जो एरिया है, जो सॉदर्न हेमिस्फीयर है उसका एरिया है। ठीक है, एंड ये जो है इसमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो ये हमारा कंटिनेंट एरिया वाइज चौथे नंबर पे आता है, वो सॉरी फिफ्थ नंबर पे आता है लार्जेस्ट। ये हमारा अगर बात करें तो ओशियाना और यूरोप दोनों को मिला लें उससे भी बड़ा है, और ये हमारा एक तरह से बहुत ही यूनिक कंटिनेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है, और इसमें ना तो कोई कंट्री है ना तो कुछ ऐसा है कि कोई यहाँ पे रहता है या कोई राज्य करता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे जो एरिया हैं जिनके कुछ रीजन्स हैं जिसमें लोग अपना क्लेम करते हैं कि हमारा, जैसे कि न्यूजीलैंड कहता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिले, अर्जेंटीना है, ये सब कहते हैं कि हमारा है, अपना अपना मतलब बोलते हैं। और कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पे साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उसके लिए यहाँ पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो रीजन है इस तरह से दिखाई दे रहा है ना आपको इसमें। एंड इसमें क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। आपको इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सॉदर्न ओशियन दिखाई दे रहा है उसके किनारे किनारे, एंड कौन कौन से सी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रोज सी दिख रहा है, एंड अमूनस्टन सी दिखाई दे रहा है, एंड बेलिंगहॉसन सी दिखाई दे रहा है, एंड वेडेल सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, ये आपने देखा यहाँ पे, एंड यहाँ पे डोमेंटेड उर्वेले सी यहाँ पे दिख रहा है ना, डोमेंटेड उर्वेले सी यहाँ पे दिख रहा है, एंड यहाँ पे प्राइड्स वे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे, एंड ब्रेंट आइस सील यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, क्योंकि पूरा ये आपको दिख रहा है ना पूरा रीजन इस तरह से, ये जो वाइट वाइट पूरा रीजन दिख रहा है यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ की जो परत है वो लोकेटेड है, और यहाँ पे एक ये आपको माउंटेन सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये माउंटेन सिस्टम है और ये विक्टोरियन लैंड है, एंड यहाँ पे जॉर्ज लैंड के नाम से बना है, टेरे एडलिनी है, एंड ब्लैंकिस लैंड है, क्वींस मेरी लैंड है, एंड विलियम सेकेंड लैंड है, प्रिंसेस एलिजाबेथ लैंड है, इसके नाम रख दिए हैं, कैंप लैंड है, एंड मैनकुवर एंडविड लैंड है, एंड ड्रोनिंग मॉन्ड लैंड है, एंड कोट्स लैंड है, यहाँ पे रोने आइस सेल्फ है, एंड एल्सवर्ड लैंड है, एंड मेरी वर्ड लैंड है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस टार्कटिक माउंटेन है, ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, एंड ये पूरा ये पालमेन लैंड है यहाँ पे, तो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, या तो माउंटेन्स हैं या तो पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ है, कितना ज़्यादा, ऐसे में कोई कैसे रह पाएगा बताइए।
तो आप यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी का कब्जा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आइलैंड है इसके नियर बाय। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, साउथ ऑर्कनी, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, सही क्लियर नहीं दिख रहा ना, साउथ और किनी, साउथ ऑर्कनी है ये जो आइलैंड है। इस पे जो हमारा एंड साउथ सेथ आइलैंड है यहाँ पे, ये साउथ एंड SHET सेटलैंड, ये दो दो रीजन हैं यहाँ पे, एंड साउथ जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया को आप नोट कर लीजिए, जॉर्जिया तो आपको पता ही होगी स्पेलिंग। ठीक है, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच, सैंडविच तो पता ही होगा, उसका कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये किसके आइलैंड्स हैं, ये सब बताया है, ये हैं, ये हमारे यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आते हैं, वो क्लेम करते हैं ये हमारा आइलैंड है। एक बार जूम करके देख लीजिए, देखिए ये वाला आइलैंड हो गया, सॉरी साउथ ऑर्कनी एंड सेटलैंड एंड ब्रुंटाइस सेल्फ। ठीक है, एंड पालमीर, ये वाला देख लिया, एंड हो दिया। तो इसमें आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे यूके लिखा है, जैसे कि ये और कर सॉरी ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला रीजन, ये ऑर्कड है यानी कि साउथ ऑर्कनी आइलैंड है, ये भी यूके का है। एंड ये रोथेरा, ये यूके का है। साउथ सेटलैंड आइलैंड, ये भी यूके का है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटर फर्स्ट, एंड बाउवेट आइलैंड है, ये किसके, नॉर्वे के द्वारा। एंड हियर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है, ये किसके, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा है। एंड स्कॉट आइलैंड एंड वेलेनी आइलैंड, ये न्यूजीलैंड के कहे गए कि हमारे आइलैंड है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा ये जो रीजन है, अगर तो इसमें क्या है, एक अंटार्कटिक आइस सीट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रीजन है बहुत ही ठंडा रहता है। और ये देखा जाए तो एक सिंगल पीस है जो आइस का अर्थ पे है, और ये जो आइस सीट है ये कंटिनेंट है, इसके बाहर भी बढ़ती रहती है स्नो की, और बढ़ती रहती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आइस सरफेस है धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर गर्मी से बात करें तो ये लगभग 1.2 मिलियन स्क्वायर मील्स, यानी कि ये हमारा 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया होता है समर के एंड में, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 19 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 7.3 मिलियन स्क्वायर मील्स ये विंटर में हो जाता है, इसकी जो आइस की जो ग्रोथ है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोस्टल आइस सेल्फ्स है उसकी वजह से होता है। और ये जो ये क्या होती हैं, फ्लोटिंग सीट्स होती हैं बर्फ़ की, और इनके वजह से क्या होता है, जो कंटिनेंट है वो जुड़ा रहता है। और जो ग्लेशियल की आइस है जो मूव करती है, अंदर ही अंदर मूव करती है। ठीक है, और इसमें अंटार्कटिका में कुछ माउंटेन्स एंड समिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स बताया था ना, यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप।
ये वाला जो सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम भी है इसमें, तो ये हमारा जो कंटिनेंट है इसको ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन में डिवाइड करता है। इसमें कुछ समिट्स की बात करें तो जिनका जो ऊंचाई है वो लगभग 4,500 मीटर्स है, एंड अंटार्कटिका इसे सीट इटसेल्फ, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2,000 मीटर खुद इसकी हाइट है। दैट मीन ये जो माउंटेन है, आधे आधे माउंटेन इनके जो है बर्फ से ही घिरे हुए हैं, 2,000 मीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर कितना, मतलब बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होती है तो उतना है, ठीक है, उतनी हाइट तक है। और अगर हम सी लेवल की बात करें तो ये सी लेवल से लगभग 4,000 मीटर अबव है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर कोई आइस, इमेजिन करो कि आइस ना हो अंटार्कटिका में, तो ये एक तरह से जियंट पेंसुला बनाएगा, एंड इसमें आर्किपेलागो माउंटेन आइलैंड है, इसको लेसर अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सिंगल लार्ज लैंड मास अबाउट द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको ग्रेटर अंटार्कटिका बोलते हैं। इसमें अलग अलग जियोलॉजी होती है, ठीक है, इन रीजन्स की। तो अगर हम बात करें कि अगर बिना बर्फ के अंटार्कटिका की बात करें, तो एक तरह से ये जियंट पेंसुला के रूप में निकलेगा, एंड आर्किपेलागो की तरह, जो कि माउंटेन से बने हुए आइलैंड्स हैं, जिसको हम लेसर अंटार्कटिका बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यानी कि ये जो वेस्टर्न वाला जो रीजन है, ये जो वेस्टर्न अंटार्कटिका है, यहाँ पे देख सकते हो माउंटेन सिस्टम वगैरह, एंड उसके अलावा जो ये जो वेस्टर्न का जो रीजन है यहाँ से जाता हुआ, ये वाला ईस्टर्न का इधर है एंड वेस्टर्न का ये वाला रीजन है। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं, जो माउंटेन वगैरह से बना हुआ है एंड पेंसुला से बना हुआ है, आइलैंड लैंड मास से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं लेसर अंटार्कटिका। एंड एक हमारा सिंगल लैंड मास है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग बराबर है साइज में, इसको बोलते हैं ग्रेटर अंटार्कटिका। और इन दोनों की जियोलॉजी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारा ग्रेटर अंटार्कटिका है, यानी कि जो हमारा ईस्ट अंटार्कटिका है, ये इसमें क्या होता है, पुराने मतलब ओल्डर एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। एंड लेसर अंटार्कटिका एंड यानी कि वेस्ट अंटार्कटिका, ये हमारे बहुत ही यंगर एंड वॉल्केनिक एंड सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो हमारा लेसर अंटार्कटिका है, ये हमारा, इसको अगर हम बात करें तो ये हमारे रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है, क्योंकि ये टेक्टोनिकली बहुत ही एक्टिव जोन है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इंट्रैक्शन बहुत होता है प्लेट्स एंड अर्थ क्रस्ट के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से ये पूरा एरिया है, ये प्लेट्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक हैं, बालकोनीज़ की, बहुत सारी बालकोनीज़ की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं। और माउंट इरेवस लोकेटेड ऑन अंटार्कटिका रोजलैंड इज द साउथ मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो माउंट इरेवस पे लोकेटेड है अंटार्कटिका का जो बहुत ही वोल्केनोज एंड अर्थ को यहाँ पे आता है, तो एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ साउदर्न मोस्ट ये हमारा है अगर देखा जाए तो, ये लोकेटेड है। एंड जो मेजोरिटी ऑफ हमारा जो आइलैंड है, ये हमारा आर्किपेलागो है लेसर अंटार्कटिका का, जो कि बहुत ही वोल्केनिक एंड हैवली ग्लेशिएटेड है। और इसमें क्या होता है, हाई नंबर्स ऑफ माउंटेन्स भी लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो
ये हमारा ओशियन सराउंडेड अंटार्कटिका का जो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल फीचर है इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवली ग्लेशियेटेड एरिया है। ओके एंड यहाँ पे परसिपिटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका नापना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम सोचे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे 50 to 100 mm देखा जाए तो इसका। और जो अंटार्कटिका का डेजर्ट है वो अगर देखा जाए तो ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है यहाँ पे। और जो अंटार्कटिका रीजन है हमारा बहुत ही अहम है ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेस के लिए, क्योंकि हमारे जो अर्थ का जो इंटीग्रल जो पार्ट है, जो हीट बैलेंस का, जिसको हम एनर्जी बैलेंस भी कहते हैं, तो हमारी जो जितनी भी हीट ऑब्जर्व करती है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर के लिए, और क्योंकि जो हमारा बाद में वापस लौट आता है स्पेस में, तो जो हमारा अंटार्कटिका है इसका बहुत ही बड़ा अहम रोल है, जो क्योंकि ये क्या करता है, मेंटेन करता है अर्थ का हीट बैलेंस का, क्योंकि जो हमारा आइस है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो लैंड वाटर होता है उससे ज़्यादा, ठीक है। जो बहुत मैसिव जो अंटार्कटिका आइस सीट है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस से, क्योंकि जो पता है आपको जो बर्फ़ होता है वो किस तरह से रिफ्लेक्शन का काम करता है, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अंटार्कटिका का जो रीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट की रिसर्च वगैरह होती है, क्योंकि ये जो रीजन है पूरा आपको पता है बर्फ़ से ढका हुआ है, तो ये क्या करता है कि वहाँ से जो अगर सोलर रेडिएशंस आते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, और अर्थ का जो सरफेस होता है, तो ये जो अनइक्वल हीट बैलेंस होता है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस वजह से, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो नासा के जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने पता लगाया कि जो ये क्लाइमेट चेंज है वो एक्चुअली क्यों होता है, कि क्योंकि जो मोर आइस हमारी जो होती है अंटार्कटिका की रीजन है, इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जैसे क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो विंड पैटर्न का, इसको जैसे पोलर वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि पोलर वर्टेक्स विंड क्या करती हैं, टेम्परेचर को लोअर कर देती हैं अंटार्कटिका के रीजन में, एंड फिर क्या करती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वैसे अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ कुछ आइस हमारी जो पिघल रही है बहुत बड़ी, एक न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत बड़ा एक पूरा मतलब एक पार्ट है पूरा आइस का वो मतलब पिघल गया था। और एक बात इसमें और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अभी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो पता नहीं है, इन फ्यूचर अगर कभी होता है कि इसका, अभी तो 98% जो एरिया पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे करते करते 90% हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये कंट्री वगैरह होती है जो इंडिया एंड बहुत सारी अदर जो कंट्री है जिनकी, जैसे मुंबई हो गया, ये किनारे किनारे बसे हुए शहर हैं, इनके लिए उजाड़ सकता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत ज़रूरी है, साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनके लिए वहाँ पे ही रहते हैं, और वैसे कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन पेंगुइन वहाँ पे रहते हैं उनके लिए ठीक है वहाँ पे, और कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे लाइकेंस मोसेस एंड एल्गी वगैरह हैं, ये ज़्यादा होती हैं, तो कोई ज़्यादा जो मैरीन मैमल्स हैं वो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बस जो मैंने बताया था इसमें अगर वेल्स वगैरह हैं ये भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर अंदर आप देख सकते हैं जैसे पेंगुइन्स एंड फिशेस हैं वो अंदर अंदर रहती हैं, और शार्प टीथ के कुछ कुछ जो फिशेस होती हैं वो,
लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो पेंगुइन यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि उनको कोस्टल वाटर में रहना पसंद होता है, और उनके जो विंग्स होते हैं फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं, जो उन्हें उड़ने में बहुत मदद करते हैं। और उनके जो पंख होते हैं उनमें जो हवा होती है वो रहती है, जिससे अपना अपने आप को गर्म रख पाते हैं अगर ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन एक ह्यूमन के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे रहना। अगर देखा जाए तो ये जो अंटार्कटिका है इसमें कोई ह्यूमन रेसिडेंट तो परमानेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट की मतलब सपोर्ट से क्या करते हैं, अपने रिसर्च स्टेशन बनाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ने अपने रिसर्च स्टेशन बना लिए हैं। तो जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एक ये मैत्रे करके दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया एंड सनावे, ये किसका, साउथ अफ्रीका का है, एंड स्योबा ये जापान का है, अमाउसन ये ऑस्ट्रेलिया का है, रशिया का है, मोलोडेजेनिया है, एंड मिरनी ये रशिया का है, एंड कैसे ये ऑस्ट्रेलिया का है, डोमेटे उर्वेले ये फ्रांस का है। तो ये कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने वर्क स्टेशन बना रखे हैं, यहाँ पे रिसर्च का काम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये स्टडी कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे, इसकी ज्योग्राफी, और ओजोन होल के लिए, एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि इसके बारे में और अच्छे से करें। और मरीन बायोलॉजिस्ट भी यहाँ पे जाते हैं जो कि इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो भी यहाँ पे जाते हैं। क्योंकि 1984 में क्या हुआ था यहाँ पे, मेट्रोइड मार्स से जो था वो अंटार्कटिका में पाया गया था। 1984 में एक मेट्रोइड टूट के यहाँ पे गिर गया था, और इसमें बैक्टीरिया मतलब छोड़ दिया था अर्थ पे। इन दिस मैटर क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ इयर्स पुराना है ये, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये एक तरह से एविडेंस का काम करता है। और अंटार्कटिका के जो रिसर्च स्टेशन है वो आपने देख ही लिए हैं, और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हो सकता है कि यहाँ पे ये जो अगर बर्फ़ वगैरह पिघल जाए तो काफ़ी डेंजरस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का लेवल पता है आपको बढ़ ही जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी डेंजरस है। तो क्या है, एक तरह से क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो बैलेंस है वो बना रहे उसके ऊपर। ठीक है, ओके, चलिए, तो आज का हमारा ये लेक्चर था, हमने ये पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, अभी कुछ रह तो गया नहीं इस लेक्चर में, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसको देखते हैं। वैसे ये हमारे कंटिनेंट के तो मोस्टली जितने भी कंप्लीट हो चुका है हमारा पार्ट, ये पोर्शन हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, बाकी कुछ कुछ मैप से रिलेटेड कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होंगे वो हम कराएंगे, उसके बाद में इंडियन के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और हमारा फेसबुक पे बिजार्ड माइंड का जो पेज है आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, और हमारा इंस्टा पे है, हम उसको लिंक में दे देंगे, आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।